अहम सर्वस्व प्रभुवा, भगवान बोलते ना अहम सर्वस्व प्रभुवा, सबका जो है शुरुआत यानी सबका रीजन मैं हूं, कारण मैं हूं, मुझे सब कुछ प्रकट हुआ है, अहम सर्वस्व प्रभुवा। और जो इसी तरह से इस तरह जो जो वेदांत है ना, वेदांत, वेदांत क्या है पता है? वेद मतलब ज्ञान और अंत मतलब लास्ट छोर, यानी एक छोर एक ज्ञान जो अंत तक, यानी उसके बाहर कुछ ज्ञान नहीं, वो है वेदांत। कहते ना वेदांत सूत्र है ना, तो वेदांत क्या है? वेद अंत, यानी एक ऐसा ज्ञान जिसका एक उसके बाद कोई ज्ञान नहीं है, लास्ट है वेदांत। तो ब्राह्मणों को वेदांत का समझना चाहिए, वेदांत क्या है, है ना, उनको ज्ञान होना चाहिए। उस ज्ञान को क्या करते हैं, वो पूरे शरीर उस मुख से ज्ञान लेके शरीर कर्म करता है। आपने देखा ना, दिमाग से ज्ञान लेते हैं और फिर कर्म क्या करता है, शरीर करता है। आपको भूख लगी, ये कैसे किसको पता चलता है? दिमाग को पता चलता है। और आज एकादशी भी है, भूख सबको भी लगी होगी है ना, एकादशी सब भूखे बैठे होंगे, तो दिमाग को कौन बता रहा है? दिमाग बता रहा है कि भूख लगी। और हाथ क्या करेंगे उसके लिए? सेवा में लग जाएंगे, पैर जाकर के सब्जी लेके लेने के लिए पहुंच जाएंगे, हाथ पैकिंग करेंगे, और उधर को जो है मुंह क्या करेगा, उधर में डालेगा खाना। तो केवल खोपड़ी होने से काम नहीं चलेगा, हाथ भी होना चाहिए, पैर भी होना चाहिए, पेट भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, है ना। इसलिए ये जो वर्ग समाज बना है, इसमें एक व्यक्ति भी अगर कम हो गया, अगर एक सिंगल व्यक्ति भी कम हो गया, तो समझ लीजिए क्या होगा, सिंगल वर्ग, मान लीजिए शूद्र खत्म ही हो जाए, तो कहेंगे अरे शूद्र खत्म हो गया, मेरा काम करने के लिए सेवक तो है ही नहीं, लेबर कहां से मिलेंगे, है ना। तो सारे जो है शूद्र खत्म हो गए, तो सारे जितने भी इंजीनियर से सब खत्म हो गए, मतलब कैपजेमिनी बंद, आपकी विप्रो बंद, शूद्र तो खत्म हो गए। अब या तो ब्राह्मण रह गए, या तो क्षत्रिय रह गए, या तो व्यापारी रह गए। अब व्यापारी किसके बल पे चलता है? शूद्रों के बल पे, वैश्य, शूद्र नहीं तो वैश्य क्या करेगा फिर, वैश्य खत्म। और वैश्य क्या करता है, जो वैश्य कमाता है उसके टैक्स एक क्षत्रिय क्या करता है, रक्षा करता है ब्राह्मणों की। जब शूद्र नहीं रहेंगे तो वैश्य खत्म हो जाएगा, वैश्य नहीं रहेंगे तो क्षत्रिय खत्म हो जाएंगे, क्योंकि क्षत्रिय काम क्या है, वैश्य तो व्यापार करके शूद्रों को सैलरी देते टैक्स से, क्षत्रिय क्षत्रियों को जो है वो टाइम वो मिलता है, सैलरी मिलती है जिससे रक्षा कर सके। और अगर क्षत्रिय नहीं रहे बचे तो ब्राह्मण की रक्षा कौन करेगा, आपस में खून खराबा शुरू हो जाएगा, ये मारो काटो, मारो काटो, लूट लो, है ना। इसलिए इसलिए एक वर्ग भी अगर कम पड़ गया तो सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज ऐसा है जो सारे वर्ग प्राप्त कर सकते हैं, और उसे क्या बोलते हैं, वैष्णव। सब के सब वर्ग भगवान के भक्त बन सकते हैं, सारे भगवान के भक्त। और आप सब अगर भगवान के भक्त हैं, जन्म से ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है, कर्म से ब्राह्मण होना चाहिए। और जो कर्म से ब्राह्मण होता है, भगवान ने बोल प्रभुपाद जी ने बोला है कि अगर वो कुत्ता खाने वाले घर में भी पैदा होता है, जहां कुत्ते खाए जाते, चिकन मटन तो छोड़ दीजिए, है ना, कुत्ते खाए जाने वाले घर में भी अगर पैदा होता है, और अगर उसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली और वो भक्त बन गया, तो क्या हो जाता है, वो अगर शरण ग्रहण कर ली भगवान उसको अपना लेते हैं और वो गुरु बनने का अधिकारी हो जाता है। सोचिए वो क्या बन सकता है, गुरु बन सकता है, है ना। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, इन सब में जो कंट्रोल कर ले इन वेगों में, वो कहीं भी पूरे विश्व में शिष्य बना सकता है, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उपस्थ वेगम, तो इन सब में जो है जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, इन सारे छह के छह वेगों को अगर कोई कंट्रोल कर ले तो क्या बन सकता है, वो गुरु बन सकता है। तो वो चाहे वो ब्राह्मण जन्म में पैदा हुआ, कहां जन्म में पैदा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं। तो आप लोग कोई जो है पंजाब पंजाबी हैं, कोई बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं, कोई एमपी से हैं, अलग अलग क्षेत्र से हैं, तो कोई ब्राह्मण है, तो कोई क्षत्रिय है, तो कोई वैश्य है, तो कोई कुछ है जन्म से, लेकिन आप सबके कर्म क्या हो गए, भगवान की सेवा में लग गए, तो आप सब ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण इति कौन, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, आप सब ब्रह्म को जानते हैं।
इस तरह से हमने 37 श्लोक तक उसको पढ़ा आज, कल के दिन और आगे देखेंगे कि ब्रह्मा जी क्या और क्या क्या बात बताते हैं। आज उन्होंने हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि शरीर के जो किस तरह से भगवान के शरीर इन वर्गों से बटे हुए हैं। आगे बहुत सी बातें रिवील करने वाले ब्रह्मा जी, तो सुनने के लिए बने रहिए। सेम टाइम में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कल के दिन फिर से एक जोरदार हरे कृष्ण मंत्र महामंत्र के साथ अल्प विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरि बोल, हरे कृष्णा हरि बोल।